सिद्धि हिंदी विद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको प्रतिदिन वीडियो के माध्यम से अध्ययन करवा रहे हैं। अतः सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि हमारे प्रत्येक वीडियो को आप ध्यान से देखें। मैं संतोष कुमार पारीख आज आपको कक्षा 12 BA में अध्याय 3 जिसका नाम है आयोजन, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप हमारे इस YouTube चैनल को देखिएगा, सुनिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और पास में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। तो आज हम बात करते हैं अध्याय 3 आयोजन की। अध्याय 3 में हम बात करेंगे सबसे पहले आयोजन के लक्षणों की। तो हम बात करते हैं आयोजन के लक्षणों की। इससे पहले मैंने आपको सारे मुद्दे बताए थे, आज एक बार फिर रिवीजन के साथ मुद्दे बताऊंगा और फिर हर एक का प्रत्येक का मैं विश्लेषण करूंगा। तो हमारा पहला मुद्दा है सर्वव्यापी, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा सर्वप्रथम कार्य। तीसरा मुद्दा चैतन्य और बौद्धिक प्रक्रिया। चौथा मुद्दा है परिवर्तनशीलता। पांचवा सावधानी। छठा मुद्दा है पूर्वानुमान अनिवार्य। सातवां मुद्दा है विकल्पों की सूची। आठवां भविष्य के साथ संबंध। नौवां सतत प्रक्रिया। दसवां ध्येय लक्ष्य प्रवृत्ति और ग्यारहवां निर्णय प्रक्रिया आवश्यक। तो ये थे आयोजन के लक्षण के 11 मुद्दे। अब हम बात करेंगे पहले मुद्दे की सर्वव्यापी। सर्वव्यापी का मतलब होता है सभी जगह पर। आयोजन सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का मतलब सब जगह। सब जगह मतलब प्रत्येक क्षेत्र में उपस्थित होता है, जैसे व्यावसायिक हो, राजनीतिक हो, शिक्षण हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, यानी हर एक क्षेत्र में आयोजन आवश्यक है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि आयोजन सर्वव्यापी है। दूसरा मुद्दा हम बात करते हैं सर्वप्रथम कार्य, जिसके अंतर्गत आयोजन संचालन का सबसे पहला काम है, क्योंकि संचालन का प्रारंभ ही आयोजन से होता है। उसके आधार पर ही अन्य कार्य जैसे व्यवस्था तंत्र है, कर्मचारी व्यवस्था है और नियंत्रण जैसे कार्य लागू किए जाते हैं। कहने का मतलब बिना आयोजन के कोई भी कार्य संभव नहीं है। इसलिए सबसे पहला काम आयोजन का है, संचालन का है। इसके बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो सर्वप्रथम कार्य के बाद बात करते हैं तीसरे मुद्दे की, जो है चैतन्य और बौद्धिक प्रक्रिया। आयोजन में निर्णय सोच समझ तथा गणना के अनुमानों के आधार पर लिए जाते हैं। आयोजन में जो निर्णय लिया जाता है वो सोच समझ करके लिया जाता है, गणना करके, अनुमानों के आधार पर। इसलिए इसको चैतन्य बौद्धिक प्रक्रिया भी कहा गया। तो यह है चैतन्य और बौद्धिक प्रक्रिया। अब हम बात करते हैं मुद्दे नंबर 4 की। चौथा मुद्दा है वह है परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता में
आयोजन में विभिन्न प्रकार की गणना और धारणाएं होती हैं, परंतु व्यावसायिक इकाई को प्रभावित करने वाले बाहर के जो तत्व है उनके कारण संयोग और परिस्थिति के अनुसार उसमें हमें आवश्यक परिवर्तन करने पड़ते हैं। इसलिए आयोजन परिवर्तनशील होना चाहिए। परिवर्तनशीलता आयोजन की पूर्व शर्त है। आयोजन कभी भी जड़ नहीं होता है। तो ये था चौथा मुद्दा, परिवर्तनशीलता। बात करते हैं पांचवें मुद्दे की, जो है हमारा सावधानी। आयोजन भविष्य के लिए होता है। इसमें यदि किसी विषय को ध्यान में लिया गया हो तो उसका अध्ययन करना पड़ता है और इस संबंधी आंकड़ा की गणना, प्राप्त जानकारी आदि में सावधानी रखनी पड़ती है। यानी आयोजन करने के लिए, क्योंकि आयोजन भविष्य के लिए किया जाएगा, इसलिए हमें संपूर्ण सावधानी के साथ आयोजन को करना है। तो यह है पांचवा मुद्दा हमारा, आयोजन। इसके बाद हम बात करते हैं छठे मुद्दे की, पूर्वानुमान अनिवार्य। व्यवसाय की इकाई में आयोजन के लिए भविष्य की अनिश्चितताओं को ध्यान में लेकर पूर्वानुमान किया जाता है। भविष्य की अनिश्चितताओं ध्यान में लेना, उसके बाद पूर्वानुमान करना, उसके बाद में उसके आधार पर आयोजन किया जाता है। इसलिए संचालन के प्रथम कार्य के रूप में पूर्वानुमान आयोजन पूर्वक माना जाता है। इस प्रकार छह मुद्दे मैंने आपको समझाए हैं। आगे अगला वीडियो लेकर के फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए